कन्वर्जेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, एग्ज़ाम दो। सो ये 23 करेंगे, क्लास 8 का है ये। और मैं बता दूं कि बस मैथ का एग्ज़ाम आया है, हिंदी का नहीं आया है। इसके पहले वीडियो 22 वीक्स में भी ऐसा ही हुआ था। सो चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 30 और 40 के बीच कौन सी संख्या एक पूर्ण घन पूर्ण वर्ग है। सो अपन देखेंगे कि इन दोनों के बीच कितनी संख्या आएगी। सबको पता है 30 और 40 के बीच 31 से 39 तक की संख्याएं आएंगी। सो देखिए 36 इसमें क्या है, एक पूर्ण घन है, क्योंकि इसको अगर हम 12 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो अपन अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि है आपका वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको जोड़ने पर 2887 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। सो अगर अपन इसमें 29 जोड़ेंगे तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 2887 में अगर अपन 29 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, एक कैरी आ जाएगी, यहाँ पास 11 आ जाएगा, वन कैरी आ जाएगी, तो यहाँ पास 9 आ जाएगा, यहाँ पास 2 आ जाएगा, 2916 हो जाएगा आपका, जो कि आपका 2 से आई थिंक पूरा विभाजित हो जाएगा। आप देख लीजिएगा इसको 2 से डिवाइड करके। ओके अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। आज मेरे लिए बस बेकार है इसलिए मैं बार बार वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पास है आपका नेक्स्ट 2651 और 1282 का वर्गमूल क्या होगा। सो इसका वर्गमूल होगा 37 होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि 4 का वर्ग 3.74 तो 14, तो अगर 2 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा इसका वर्गमूल। सो देखिए अगर अपन 2 को 14 से विभाजित करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 आएगा और 8 आएगा, तो 1.87 होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ वाला। फिर है आंकड़ों का, आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का कहलाता है। सो सबसे देखो 1 और 9 का जैसे मान लेते हैं, तो इसमें अधिकतम संख्या 9 है और न्यूनतम संख्या 1 है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 8, और ये परिसर का सूत्र है। ठीक, यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा परिसर। नेक्स्ट है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या है। तो देखिए अगर अपन 1 से 10 तक की संख्या लिखते हैं तो उसमें आपका मध्य क्या आएगा वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखिए यहाँ पास 1, ये 1, 2, 3, 3, 4, 4, तो देखिए इन दो संख्या बच गई, इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब 5.5 आएगा कुछ, तो आंसर यहाँ पास हो जाएगा फोर्थ वाला 5.5। ओके नेक्स्ट है आपका का बहुलक क्या है। तो इन सभी का बहुलक बताना है। सो इन सभी का बहुलक है आपको 66 दशमलव के बाद की संख्याओं को अपन 6-6 पढ़ते हैं, ना कि दोनों को प्लस करके। ओके तो नेक्स्ट है आपका ये का माध्यक ज्ञात करना है, बीच की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसके बीच की संख्या 35 हो जाएगी। पहले तो आप इनको आरोही क्रम में जमा लीजिए, फिर इन सभी के बीच की संख्या बता दीजिए। ओके तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मैं आंसर की दिखा देती हूँ, ये देखिए आंसर की। तो आंसर की में फर्स्ट का आंसर सेकंड होगा, सेकंड का आंसर थर्ड होगा, थर्ड का आंसर सेकंड होगा, फोर्थ का आंसर फोर्थ होगा, फिफ्थ का आंसर फोर्थ होगा, सिक्स्थ का आंसर फोर्थ होगा, सेवन्थ का आंसर थर्ड होगा और एट्थ का आंसर फर्स्ट होगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।